हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट यूज करते हैं तो आपको कैश डिपॉजिट करने में काफी ज्यादा समस्या आती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, फिलहाल के टाइम पे पेटीएम की केवाईसी और पेटीएम का न्यू अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है उसको आरबीआई ने बैन कर दिया है। तो आप ऐसे में काफी ज्यादा परेशान है, आप न्यू केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही न्यू अकाउंट जो ओपनिंग का प्रोसेस था वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप न्यू अकाउंट ओपन भी इसमें नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी यहाँ पे चालू होने वाला है और ये 15 मई से या 15 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इसी महीने स्टार्ट हो जाए, अगर इस महीने नहीं होता है तो ये अगले महीने स्टार्ट जरूर हो जाएगा। तो आप फिर से इसमें केवाईसी कर पाएंगे, साथ ही आप न्यू अकाउंट ओपन भी इसमें कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो कैश डिपॉजिट की बात है वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही किसी भी कस्टमर के अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैंक भी आपसे कोई इसमें चार्ज नहीं लेता है। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बीसी पॉइंट्स के माध्यम से आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक की बीसी एजेंट एप्लीकेशन है। इसी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो सारे काम यहाँ पे जो है किए जाते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, अगर आप बीसी एजेंट हो तो आप इसे लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बैलेंस यहाँ पे दिखाया गया है, इसी में से कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल जो हम करते हैं वो हमारे वॉलेट में यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो ऑन गोइंग टास्क जो है, यहीं से पेटीएम पेमेंट बैंक की केवाईसी की जाती है। और आप यहां पे देख रहे हो सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है केवाईसी सेकंड सेविंग अकाउंट ओपनिंग का, यहीं से अकाउंट ओपनिंग यहां से किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन फास्टैग का आप देख सकते हो, यहीं से इसके फास्टैग इशू किए जाते हैं। और चौथे ऑप्शन पे आप यहाँ पे देख रहे हो डिपॉजिट कैश की सुविधा यहाँ पे दी हुई है, इसके नीचे कैश विड्रॉल की सुविधा भी दी हुई है, वहीं से कैश विड्रॉल किया जाता है कस्टमर के अकाउंट से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैश डिपॉजिट जो है कैसे यहाँ से करना है। तो सिंपली आपको कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं कस्टमर का, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है कस्टमर के बैंक अकाउंट में, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके वॉलेट से ज़्यादा अमाउंट ना हो, नहीं तो आप उसे यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो 10,137 रुपये बैलेंस है। तो मैं आपको ये भी प्रूफ दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे बैंक यहाँ पे नहीं लेता है कस्टमर के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने पे। तो आप भी कस्टमर, जो भी आप कस्टमर अगर आप हैं तो बीसी पॉइंट पे जाके आप बीसी वाले को पैसे आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं अगर आपका अकाउंट वहीं पे आपने ओपन कराया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे 5,000 यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं आपके वॉलेट से बस कम होना चाहिए वो। तो चलिए हमने यहाँ पे 5,000 एंटर कर दिया और इसके बाद में सिंपली हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक कस्टमर के मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे ओटीपी आ चुका है और हम यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देते हैं। तो आपको वो ओटीपी आपको यहाँ पे अपने मैसेज बॉक्स में देख के और यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी टाइप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी यहाँ पे आ चुका है और ओटीपी एंटर करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको कन्फर्म डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप कन्फर्म डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे एक पासकोड यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको अपना पासकोड यहाँ पे डाल देना है और पासकोड डालने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली आपका अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल से तरीके से आप अपना किसी भी कस्टमर के अकाउंट में यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज बैंक आपसे यहाँ पे नहीं लेता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।